अथर वी 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 पबजी, पबजी भी आएगा ब्रो। पबजी भी जल्दी आएगा सर, बहुत जल्दी। ब्रो आई हैव ज्वाइंड योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए। क्या भसड़ है भाई। मार्शल लॉ, क्या हमको भी आता है खेलना? आर वी स्टिल प्रो? लेट्स सी। ओपी ओपी बोलती पब्लिक। अरे भाई भाई भाई, अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है भाई। अरे भाई भाई भाई, सही सही याद आ रहा है यार। ओ भाई, अरे भाई, अरे भाई भाई गुस्सा हो गया हमारा। आठ तेरा भाई आईडी पास आने वाला है भाई, टी थ्री का कुछ ही देरी में आ जाएगा। अरे भाई स्क्रीन रोटेट हो गई। अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई, हेलो मैडम। Get
ओके गाइस, देखते हैं क्या आईडी पास आ गया कि नहीं। ओके तो आईडी पास तो आ गया भाई लोग। आ जाओ भाई लोग, सारे के सारे आईटी पास तो आ चुका है, आप कब आओगे? Get ready for the next match. Round one. Fight. अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई नहीं, हमको माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई भैया। शेर खान बाबू, हम आपको नहीं मारेंगे। अरे भाई भाई, ये तो गुस्से में है यार। KO. You lose.
इतना गुस्से में कौन आता है भाई? Get ready for the next battle. Michi wo akete morau ka. Round 1. Fight. Are bhaiya. Maafi. Are bhai. अरे भाई भाई क्या मारा है भाई, ओपी बहुत तगड़ा। अरे भाई उठने दो उठने दो, ऐसा नहीं मारते भैया। हमने ऐसा क्या गलत काम किया है जो तुम इतना मार रहे हो? ओ भाई चिपका दिया कोने में। बिल्कुल खोपचे में लेके पेला है भैया। अरे यार ये क्या भाई, फिर से कंटेनर सा भेज दिया है, इसको कैसे मारने का? मैं 10 मारता हूँ वो एक ही मारता है यार। गोली गोली भी मार रहा है ये तो। अरे भाई भाई इसको मारे कैसे साला? अरे आओ जिन भैया, आप ही का इंतजार था हमको। नाइस। राउंड 2 फाइट। तो नहीं भाई बच गया भाई, कट गया था नहीं तो। जान बच गई भैया हमारी, मरते मरते बचे हैं, मरते मरते भाई। ये क्या चीज है? ओ भाई थोड़ा शांति से। भाई इसमें तो अपन दिख भी नहीं रहे हैं।
नहीं भैया, नहीं रे। भाई ये क्या था? अरे भाई रुक जा, थोड़ा सा सबर करो भैया। भाई अरे ये तो ब्लॉक भी नहीं होता है भाई। नहीं भाई क्या चीज है यार, वार दी रहे। अरे भाई क्या ही अलग चीज है भाई। मारे तो कैसे मारे भैया, हमको समझ नहीं आ रहा। चलो भाई चलते अपनी पबजी में, पबजी का टाइम आ चुका है। क्योंकि पबजी भैया बहुत जरूरी है। दीपू भाई बस आप आए और ऐसा हुआ भाई, अगर आप नहीं आते तो मैं जीत जाता भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत पिरो खिलाड़ा हूँ भाई, ऐसे वैसे पिटते नहीं है। घटिया, आपने भाई पक्का कोई ना कोई साजिश की और मैं हार गया, नहीं तो भाई हम बहुत ज्यादा पेलते हैं। ओके भाई लोग तो आ गए, हम भी कस्टम द रूम में।
अरे सीता जी, ये आपको क्या हो गया? What happened to you? Where are your hairs? किधर गए आपके सुनहरे लंबे काले घने बाल? आइए रितु विश्वास, वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको स्ट्रीम पे आने के लिए। देखिए, वैसे तो धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि आप है वो इकलौती व्यूअर जो कि अभी हमें देख रही हैं। 1% वॉचिंग। स्वागतम स्वागतम। स्वागत नहीं करेंगे हमारा, हम तो कर लिए सबका स्वागत, हमारा स्वागत कोई नहीं कर रहा है। तो भैया 12 टीम्स आ चुकी हैं इस गेम में भी, और 41 प्लेयर्स जुड़े हैं लॉबी में। अभी देखते हैं भैया, दूर दूर सभी जा रहे हैं, एक दूसरे से कितना जल्दी आपस में लड़ते झगड़ते हैं ये तो हमें पता चलेगा थोड़ी ही देर में। सूत्रों से पता चल रहा है कि दो टीमें जो हैं वो नोवो में जाके भिड़ने वाली है आपस में, तो इनका बूम बाम होना तो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर एक टीम आ चुकी है, टीम डिवाइन। डिवाइन टीम यहाँ पर बिल्कुल सामने आके गिरी है, और यहाँ पे है LXIX टीम की अकूजी, और साथ में एक अश्लील लौंडा मिस्टर माफिया इतम सिंह 92 मोटो को। और भैया मारो इस अश्लील लौंडे को, बहुत ही तगड़ा हेडशॉट मारा है, और ये लौंडा तड़प तड़प के मरेगा जहाँ तक हमको लग रहा है। अकूजी इज बैक, बिल्कुल अकूजी इज बैक। और अश्लीलता देखिए लौंडों की, अपनी टीम छोड़ के आ चुके हैं दूसरों की टीम में, और हेडशॉट भी खा लिया है, पिट भी गए, फिर भी चीख जरूर रहे होंगे रिवाइव रिवाइव। भाई 92 मोर टू गो, तो जल्दी से जल्दी कर दो भाई लोग, सब्सक्राइब दबा दो लाल बटन अपनी स्क्रीन पे। कैन शी क्लच, बिल्कुल शी कैन क्लच। हाथ में है इस कार द एल, और साथ में प्रीतम भाई की दुआएं, और राघव आए यहाँ पे, और राघव ने भैया पेटी बना दी M762 के साथ। इसी के साथ साथ LXIX अकूजी भी यहाँ से हो चुकी है फिनिश। फर्स्ट टीम जो कि यहाँ से एलिमिनेट हुई, दैट इज टीम LXIX, क्योंकि वहाँ पे एक अश्लील लौंडे ने सारा गेम खराब कर दिया, मिस्टर साई माफिया। और उनकी टीम को देखेंगे आप, तो उनकी टीम में सिर्फ 3 प्लेयर्स रह गए हैं, चौथे वो भैया कहीं और ही निकल लिए। म्यूजिक, अगर हमारे पास वो म्यूजिक होता तो हम बजा भी देते। ओ हो हो, ओ हो भाई, ये तो ओहो हो हो गया। टीम डेविल, डेविल टीम में भी आज भाई 4 के 4 लोग जुड़े हुए हैं। पठान है, यूवी है, जी जी है, और उसी के साथ साथ मोहित भी हैं।
और चलते हैं भैया जॉर्जो द पोल में। तो जॉर्जो द पोल में हमको दिख रही है टीम TFG, टू फेस गेमर्स फिलहाल लूटपाट कर रहे हैं। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मोह माया से दूर। नारंगी M4 और AKM लेके मिस्टर स्केच। अरे भैया ऐसे आप बीच स्ट्रीम में कॉल करेंगे तो कैसे चलेगा? नो कॉलिंग फॉर आईटी पास, प्लीज DM। नो कॉलिंग ओनली DM। क्या हाल है भाई? ये निशांत भाई, अरे आज लेट हो गए भाई, बहुत किधर बिजी थे? वरना तो भैया मैसेज आ जाता है, यू मुंबई स्पोर्ट्स फोन नंबर लीक है। अरे भाई खुशी मर गई तेरे आने से थोड़ा पहले। अरे आए भाई निशांत भाई, मतलब भाई क्या कर सकते हैं निशांत भाई, थोड़ा पहले आते हैं आप तो भाई मजा आ जाता है आपको भी। खाना भी खाना होता है, हम 12 बजे नहीं खाते ना। हाँ भाई हाँ, सबकी किस्मत सही है, कहाँ आपके जैसी टाइम पे खाना मिल जाए। प्रीतम मरने दे। नोवो उतरी थी तेरे ड्रॉप पॉइंट पर। आइए तो कैसे हैं आप लोग सर? मेरा ड्रॉप पॉइंट नहीं है। अरे भाई जब से आप आउटलॉस में आए हो आपका ड्रॉप पॉइंट है भाई। आउटलॉस बोले तो भैया नोवो। जल्दी ही ओएल स्काई भी दिख सकता है हमको नाम। लास्ट कंटेनर तो लूटता है। अरे भाई भाई ये तो भैया बहुत ही मस्त चीज हो गई, आज हमको पता चला है ऐसा कुछ। स्काई भैया चीखते जरूर होंगे, लास्ट कंटेनर मैं जा रहा हूं, कोई नहीं आएगा उधर। हम कंटेनर्स नहीं क्रेट्स लूटने पे विश्वास रखते हैं। अरे अरे भाई टॉक्सिक हो रहे हैं स्काई भैया। ओ भाई आज का ये खेला मेरा मैप में जरूर बोलेगा, धरती चूम के आऊंगा जहां भरी थी वो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये हम क्या सुन रहे हैं स्काई भैया, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई। स्काई भैया बोलेंगे यहीं यहीं पेटी बनाओ मेरी, इधर ही इसी पॉइंट पे हमारी पेटी बननी चाहिए। तो भाई लोग अभी भी 39 प्लेयर्स हैं, सिर्फ एक टीम, 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं अभी तक इस मैच में, और बाकी के सारे प्लेयर्स अभी अलाइव हैं। फर्स्ट जोन जो है वो क्लोज इन शुरू हो चुका है, और कुछ ही देर में यहाँ पे फर्स्ट जोन जो है पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड जोन देखते हैं किधर बनता है। फिलहाल सभी टीम्स जो है जोन की तरफ रोटेट करना कर चुकी है स्टार्ट। वेरी प्रिमोस के एरिया में आपको एक ड्रॉप भी दिख सकता है जिसको आई थिंक लूट लिया गया है। यहाँ पे टीम नंबर 5 दैट इज टीम रामायण OP इस ड्रॉप को लूट के आगे बढ़ चुकी है।
वहीं प्रोन हो जाएगा, कह देंगे मेरी समाधि बन। एलेक्सा एक्स काय, अरे भाई भाई भाई, अरे भाई, एक तो ये एलेक्सा एक सुन के जाग जाती है भाई बिना बजाई। ओएल या एलेक्सा एक्स भाई कुछ भी हो सकता है। देखो हमको उम्मीद तो है वैसे कि ओएल होना चाहिए, बट क्या पता लॉन्डे धोखा दे देते हैं भाई कभी कभी। प्यार में इंसान किसी हद तक चला जाता है। बिल्कुल भाई सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। कैसा प्यार बे, कैसा प्यार। ने ब्राइटनेस कम रखा है क्या? राम भैया निकल चुके हैं स्काउटिंग पे। डेविल जी जी गेमिंग, डेविल की टीम को दिखाओ। ओके ब्रो, डेविल की टीम को देखेंगे आप। तो ये रही डेविल की टीम। मिस्टर पाठक, यूवी, जी जी एंड मोहित, कुछ भी बोले जा रहा है कुछ। भाई मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ बातें। देखो सर, जो बातें आप लोग बोल रहे हो मैं वो चैट में पढ़ रहा हूँ भाई। बाकी बोलने वाले और बुलवाने वाले तो आप लोग ही हो। हम कौन होते हैं भैया बोलने वाले? हम कोई नहीं होते। तो फर्स्ट जोन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज इन हो चुका है, और एक और ड्रॉप हमें यहाँ पे दिख रहा है, ड्रॉप नंबर 2, जिसमें भैया गन कौन सी आई है, AUG A3 आ चुकी है। और इस ड्रॉप को लूटना तो आई थिंक किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरा है ये ड्रॉप। फिलहाल हम देखेंगे भैया ब्रिज एरिया में, तो ब्रिज एरिया से यहाँ पर टीम MGF कर रही है, रोटेट और होल्ड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रिज। सच बोलने वालों को चुप कराया जा रहा है। अरे भाई यो उसे ही बोला है मैंने। ओके 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 भैया, निशांत भैया को देखो जल रही है निशांत भैया की यहाँ पे, पब्लिकली पोले खोली जा रही है उनकी तो। मैं यूं ही चला जाऊं तो वो बता दो। कहाँ जाओगे भाई, किधर किधर तक भागोगे? कोई पीछा नहीं छोड़ेगा आपका भाई, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा सर आपको। कहाँ तक भागोगे आप? जिधर भी भागोगे आप, आपको प्रीतम भाई वहीं आसपास मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो रोटेशंस हो चुकी है गाइस टीम्स की स्टार्ट, और थोड़ा सा मैच पे भी कंसंट्रेट करते हैं। स्काई भैया तो हमारे यहीं रहने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। और टीम नंबर 1 डेविल जी जी वीर ओपी फिलहाल बग्गी लेके जोन में पहुंच चुके हैं। टीममेट्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं जोन की तरफ। टीम नंबर 24 टीम डिवाइन एक्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है जोन की तरफ। और यहाँ पे रफ्तार ने नॉक निकाल दिया है, पाठक ने यहाँ पे रफ्तार को रिवर्सल नॉक किया, और इसी के साथ साथ गनशॉट भी नॉक हो चुके हैं। पाठक यहाँ पे कहर पर सा रहे हैं, लेकिन डेविल की ओपी ने यहाँ पे नॉक निकाला और उनको यहाँ पे नॉक निकाल दिया है सरकार ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट फिलहाल चल रही है यहाँ पे।
एक्स स्ट्राइकर ने यहाँ पे नॉक किया यूवी को। अब बचे अकेले जीजी एंड मोहित, देखना होगा यहाँ पे क्या करते हैं। फिलहाल आई थिंक एक ही टीम के लाइनअप है दोनों। मोहित को वहाँ पे फिनिश कर दिया गया है। जीजी बचे अकेले, 1v2 निकाल चुके हैं। बैक साइड से एक और पुश हुआ और यहाँ पे टीम नंबर 1 का हो चुका है भैया कचरा। पुल पेटी पैक रिकर्स ने किया हमला, जीजी को यहाँ पे बच के जाना होगा। काफ़ी अच्छा गेम, हालांकि यहाँ पे उन्होंने निकाला 1v2 करके। एंड अब यहाँ पे यूवी को रिवाइव देने के लिए जा सकते हैं, देखना होगा यहाँ पे मैक एमजीएफ जो है क्या उनको रिवाइव मिल चुका है या नहीं। एमजीएफ टीम के चार लौंडे फिलहाल हो चुके हैं भैया खड़े। रिवाइव भी मिल चुका है उनको, सामने है रिकर्स। यहाँ पर ये दोनों टीम्स भी सेम लाइनअप की दो अलग अलग टीम्स हैं। वर्मा जी तक पहुँच जाऊँ फिर आपकी भी बोलती बंद ना करवा दी तो बोला। पहुँच जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको। देखो क्योंकि ये जो वर्मा जी वाली बात है ना, ये दिल से बनाई हुई बात है भाई, मतलब मन से बनाई हुई बात, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो हमको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है भाई। जो भी हो भाई करो, कोई टेंशन नहीं है। नेकेड किलर को यहाँ पे नॉक निकाल दिया है और फिनिश किया यहाँ पे नेस्टी ने साई चाइनीज को। और हर्ष एंड मिस्टर साई शिवेन जो है थोड़ा सा दूर है नेकेड को रिवाइव देने के लिए, इसी बीच पहुँच चुके हैं नेस्टी किलर एंड टी चाला ओपी भी यहाँ पे आ जुड़ चुके हैं टीम इन्वेडर्स के साथ। उजी लेके पिन कर रहे हैं और यहाँ पे फिर से एक बार नेकेड को शिवेन ने नॉक निकाला है और शिवेन को भी यहाँ पे कर दिया गया है नॉक। मिस्टर हैश बचे तेरे चार दिन कर रहे हैं, फिनिश करने के लिए जाना चाहते थे लेकिन बच गए यहाँ पे। और आई थिंक इन्वेडर स्क्वाड ने यहाँ पे एक प्लेयर ज़रूर लूज कर लिया है, दैट इज़ मिस्टर नेकेड द किलर। नेकेड किलर हो चुके हैं इस गेम से बाहर और हीट ऑफिशियल्स के लिए भी वेनम आई थिंक नॉक पड़े हुए हैं। रिवाइव उनकी टीम उनको देने वाली है, बाकी टीम फिलहाल कवर देते हुए सामने है। टीम एमजीएफ का 98 के साथ यहाँ पे सरकार पिन कर रहे हैं हीट ऑफिशियल्स को। बोल्ट धीरे धीरे आपको दिखेंगे क्लोज इन करते हुए, रफ्तार भी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। नॉक निकाला है उनको यहाँ पे सीता ने, तो सीता जी भी एक्शन में आते हुए और एमजीएफ टीम थर्ड पार्टी सामना करते हुए यहाँ पे दो टीम्स के बीच में जाके सीधा का सीधा फंस चुकी है। और डेविल टीम को यहाँ पे रिकर्स ने कर दिया है भैया गेम से बाहर। हीट वेनम को सरकार ने दिया है बहुत ही प्यारा हेडशॉट, हम जहाँ से भी स्पेक्टेट हटाते हैं भैया वहीं पर फाइट शुरू हो जाती है। वाई दिक्कत ऐसे नहीं होती है, उनके लाडले देवर हैं हम, हमारी ना मान के कहाँ जाना है उन्होंने। अरे भाई देवर जी ओपी, देवर जी ओपी भाई क्या ही स्कीम है। रफ्तार को कर दिया गया है फिनिश और बाकी के तीन टीममेट्स फिलहाल अभी अलाइव है। 8 टीम 27 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है इस मैच में, देखना होगा किस तरीके से अब ये मैच आगे कंटिन्यू होता है। फिलहाल रामायण टीम डीएफजी सन की एंड हीट ऑफिशियल्स, ये 4 टीम्स जोन में प्रेजेंट है। बाकी की टीम्स जो है जोन से थोड़ा सा दूर। इन्वेडर्स के लिए यहाँ पे आ चुका है फ्लेयर ड्रॉप में आई है एमके विद AUGA3, उनके काफ़ी क्लोज यहाँ पे फिलहाल। टीम डिवाइड नेक्स्ट जो है रोटेट कर रही है ऑन फुट, कोई भी व्हीकल नहीं अवेलेबल है उनके पास, तो भागते भागते जाना होगा जोन में, जोन से ऑलमोस्ट 800 मीटर दूर। और क्या इतना लंबा सफ़र ईजीली कर पाएंगे या फिर बीच में कहीं स्पॉट होंगे और पेटी पैक करवाएंगे अपनी, ये भी देखना होगा। तो रीकर्स भी फाइनली निकल चुके हैं जोन में जाने के लिए और इस जोन में भी आई थिंक ज़्यादातर टीम्स जो हैं वो एक ही तरफ से एंटर करने वाली है। मे बी यहाँ पे फाइट हो सकता है, अगर थोड़ा सा इग्नोर करती है टीम फाइट को तो लंबा रोटेशन ले सकती है एंड कोई फाइट ना लेके और थोड़ा सर्वाइव कर सकती है। एंड जोन तक अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जोन और सर्वाइव करती है सारी की सारी टीम्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है फाइट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप फील होगा हमें क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी स्पॉट
फिनिश होती है तो दिक्कत में आ सकते हैं। और आर्यन यहाँ पे रुक चुके हैं और उनको यहाँ पे फिनिश भी मिल सकता है। एंड वैसा ही हुआ, यहाँ पे गनशॉट ने आर्यन को नॉक निकाला और व्हीकल एक्सप्लोजन के साथ साथ फिनिश भी कर देंगे। तो फिनिश हो चुके हैं, बाकी के दो प्लेयर्स रोटेट कर चुके हैं और एक सेफ एरिया में पहुंच गए हैं। अल्फा है, आपकी गर्लफ्रेंड्स कैसी हैं? अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, सब सारी की सारी मज़े में है भाई। कल आयुष कितना गंदा लेट रहा था घर में, ये जलने वाले आ गए। प्रीतम मैंने तेरे बात करनी भाई, कर लो आप, यहीं कर लो कांटेक्ट, यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चैट में यहीं पेल दो भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हीट ऑफिशियल्स के सर पे करता हुआ यहाँ पे ड्रॉप, जिसमें ए बबलू एम आ चुकी है, तो भैया एक अच्छा वेपन और लेवल 3 के गेयर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे टीम हीट ऑफिशियल्स को। और फ्लेयर कट भी चला रहे हैं साथ में। अरे वैनम भैया चला दीजिए, किसका इंतजार है। नहीं वो पर्सनल वाली है जो मैंने बताई थी वो। ओके ओके ओके, पर्सनल रहेगी क्या? एक एक करके आपने सबको बता देनी है, फिर वो पब्लिक ही है भाई, बात कोई पर्सनल वर्सनल नहीं है वो बात। बंदी तो है नहीं प्रीतम भाई, मेरी तो घर लेटूंगा ही। ओ भाई हाँ पता है, पोस्टर लगवाए ले भाई, आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो बात मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हो तो फिर कल मैं थंबनेल भी बनाऊंगा वैसा ही कुछ, स्ट्रीम का नाम भी वैसा ही रखेंगे कुछ हम। बताओ आप क्या चाहते हो, आप प्रमोशन कर दे। फुल टू प्रमोशन भाई, जोन में सिर्फ इन्वेटर स्क्वाड अवेलेबल है, बाकी सारी की सारी टीम जोन से बाहर। स्काई मारेगा शॉर्ट टाइटल। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, ओपी टाइटल बूम्बा। नहीं है तो कम से कम हिंदी के साथ तो लेट ना था, इट्स ना हो। क्या सुन रहे आयुष भाई, ये क्या हो रहा है, क्या ये सच्ची बातें हैं या फिर जस्ट र्यूमर्स, बताइए हमको। अरे पर्सनल मत रहो, अरे बीच में अगर आप अपने आप को हमसे अलग समझते हो तो वो भी बता देना। वो भाई भाई कतई सेंटी हो जाते हैं भाई इसका है भाई। अरे भैया हमसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, माफ़ कर दो हमको। एक था फ्लैंकर आयुष। भाई ओ भाई वारो, अरे बूमबाम हो गया भाई, बूमबाम तगड़ा बूमबाम हो गया इन्वेडर स्क्वाड के साथ। और साथ ही साथ भाई 3 नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। एक किल तो कंफर्म किया मिस्टर टी चाला ने, अब देखना होगा यहाँ पे बाकी के किल्स क्या कंफर्म करते हैं या फिर अपने टीममेट को बचाते हैं। और आई थिंक यहाँ पे बचा पाएंगे साइको को, साइको रिवाइव हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिस्टर घोस्ट भी रिवाइव हो रहे हैं, कैंडी ने यहाँ पे रिवाइव दे दिया है घोस्ट को, उधर चाला ने रिवाइव दे दिया है साइको को। अब यहाँ पे कैंडी कोशिश ज़रूर करना चाह रहे हैं अपने तीसरे टीममेट को बचाने की, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे वो हो चुके हैं फिनिश। 2 ही लोग बचे हीट ऑफिशियल्स में और उनके सामने 2 ही लोग बचे हुए हैं भैया टीम इन्वेडर स्क्वाड में। साइको किलर फिर से एक बारी पिन करना चाह रहे हैं टीम हीट ऑफिशियल्स को। हीट ऑफिशियल्स के पास अच्छा खासा कवर है, स्पॉटेड अलग ही दोनों टीमें हैं एक दूसरे को, तो देखना चाहेंगे हम यहाँ पे क्या फाइट होती है। कोच ने फिलहाल
रेडाउन करने की कोशिश, लेकिन कोई खास डैमेज नहीं दे पाए। भाई पबजी में कौन सी आ गई भाई बताओ बताओ मिस्टर स्काई। एंड फाइनली यहाँ पे टीम असन की भी एक्शन में आ चुकी है। पूरा गेम शांति से खेलने के बाद लास्ट जोन में बूम बम मचाने के लिए पहुंच चुके हैं। सन की बुफार ने नॉक किया है स्केच को और पूरी की पूरी टीम है सामने, रयुगा एटम एंड फिनिक्स, और काफी क्लोज इन कर चुके हैं यहाँ पे। कमेंट मिस, कौन सा कमेंट मिस किया भाई? मैंने कोई कमेंट मिस नहीं किया, पबजी में नहीं यार। आरएल एरिया भाई, और बूम बम टीम टीएफजी के एक प्लेयर को यहाँ पे कर दिया गया है फिनिश। उधर सनकी चुनू भी नॉक पड़ी हुई है, अब यहाँ पे मुफाड़ कर रहे हैं क्लोज इन, और टीएफजी टीम यहाँ पे काफी अच्छा फाइट बैक करते हुए। चुनू को यहाँ पे रिवाइव मिलेगा या नहीं देखना होगा, जिसकी मैन को यहाँ पे फिनिक्स ने नॉक किया है। डिफॉल्टर ने यहाँ पे नॉक निकाला रयुगा को, एटम यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए, और मुफाड़ ने उनको भी यहाँ पे नॉक निकाला। फिनिक्स बचे अकेले, और डिफॉल्टर चार्जिंग करते हुए यहाँ पे, एंड रीलोड में आ चुकी है गन, सेकंड गन चेंज करके फिर मिस किया, और यहाँ पे नॉक निकाल दिया फिनिक्स ने। लेकिन भैया मुफाड़ ने यहाँ पे आराम से हील किया और बूम बम मचा दिया। पूरी की पूरी टीम टीएफजी हो चुकी है एलिमिनेट, और टुन्नू यहाँ पे ब्लीड हो चुकी हैं, और बचे हैं डिफॉल्टर एंड चुस्की मैन, जिनको मिल जाएगा रिवाइव। 6 टीम्स 15 प्लेयर्स बचे हुए हैं इस गेम में, और सन की टीम को जाना है भैया जोन में। 10 सेकंड के अंदर अंदर ये जोन श्रिंकिन हो जाएगा, जल्दी से भैया हील अप कीजिए और निकल जाइए सीधा जोन के लिए। वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है भाई, ओनली स्पा। अरे अरे भाई भाई ये लौटना नेक्स्ट लेवल है भाई, आयुष भाई तुझे सब ज़्यादा मेरे बस की नहीं है। पबजी में कौन सी आ गई उसके ऊपर तो देखो, पबजी में कौन सी आ गई, एक था फ्लैंकर आयुष, अरे पढ़ा मैंने ये, एक था फ्लैंकर वाला। यही तो है भैया, एक था फ्लैंक, अरे सन की मुफाड़ को दे दिया है भाई नॉक एंड फिनिश। उसकी मैन एंड डिफॉल्टर भी भैया काफ़ी ज़्यादा खतरे में, पेन किलर यहाँ पे लगाई जा रही है। उसकी मैन ने यहाँ पे पेन किलर लगा के बैंडेजेस अप्लाई करना शुरू कर दिया फिलहाल, कैसे तैसे जान बचाते बचते बचाते डिफॉल्टर लेके पहुँच चुके हैं एक वॉच टावर में, और एक तरफ रीकर्स, एक तरफ टीम एमजीएफ, एक तरफ टीम हीट्स, और चौथी तरफ टीम रामायण बॉट खेल रही है। तो बिल्कुल सेंटर में जाके स्लैम इन किया है, और देखना होगा अब यहाँ पे टीम सन की क्या इस पोजीशन को होल्ड कर पाती है या नहीं। फिलहाल सीता जी को आप देखेंगे तो सीता जी ने भी यहाँ पे स्लैम इन कर दिया है, जनरेटर है हाथ में, और दो दो जनरेटर है क्या? नहीं भैया, एक जनरेटर है और दूसरी आई थिंक M7। जोन में तो पहुंच चुके हैं, गाड़ियां यहाँ पे लगा चुके हैं, 3 प्लेयर्स अवेलेबल है, चारों के चारों अवेलेबल है भाई, कोई भी प्लेयर अभी तक मरा नहीं है इनकी टीम में। अदर नहीं भाई, पता लगा कौन सा प्रीतम भाई, यार मैंने सारे पढ़े जहाँ तक मेरे को लग रहा है, एक था फ्लैंकर से ऊपर वाला नहीं पढ़ा क्या? अरे पर्सनल मतलब ये वाला, ये भी पढ़ा भाई मैंने, ये भी पढ़ा है सार, एक भी नहीं जोड़ा। आप स्ट्रीम रिवर्स करके देखो, मैंने सारा सारे कमेंट्स पढ़े। और टी चाला ने यहाँ पे कैंडी ओपी को भी फिनिश करके यहाँ पे हिट ऑफिशियल्स का कर दिया है। बूम बम सीता को यहाँ पे स्पॉट किया सरकार ने, काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया, लेकिन नॉक कहीं ना कहीं नहीं निकाल पाए, और बच गए बाल बाल यहाँ पे मिस्टर और मिस सीता, सॉरी नॉट मिस्टर, प्रीतम भाई नशे में हो शायद भाई क्या कहना चाहेंगे सर प्रीतम, आप SS भेजता आपको शो नहीं हो रहा शायद।
हाँ भेजो जरा भाई मेरे को, तो यार यही दो कमेंट दिख रहे भाई, इसके बीच में तो कोई और कमेंट है नहीं। भेजो आप, मैं जोर से पढ़ूंगा उसको, कोई नहीं। एयरटेल वाले नंबर पे भेजना भाई। और रामनूब को यहाँ पे बोल्ट ने नॉक निकाल दिया है, रामनूब को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए पहुँच चुकी है उनकी टीम। जोन देखेंगे आपको भैया, सन की टीम यहाँ पे कर रही है चिल जोन के बीचों बीच बैठ के, कोई भी टेंशन की बात नहीं, सबको लड़ने दे रहे हैं और लास्ट में बुम्बा मचाएंगे। एंड इसी बीच आई थिंक यहाँ पे टीम इन्वेडर स्क्वाड भी आ चुकी है, 70 मीटर दूर जरूर है जोन से, लेकिन एक एज होल्ड किया हुआ है मोहित पंडित। अगली अगली मतलब भाई पिछली, अगली ते पिछली। और यहाँ पे फिर से एक बार नॉक हो चुके हैं राम नूब, जनरेटर चला दिया गया है यहाँ पे टी चाला की तरफ से, और साइको किलर ने यहाँ पे कर दिया राम नूब को फिनिश। राम नूब की हो चुकी है भैया पेटी पैक चेक। अरे भाई टेलीग्राम नहीं भाई, ये इसी फोन पे टेलीग्राम है और इस पे तो स्ट्रीम पे। अब बोल्ट को यहाँ पे नॉक निकाल दिया बाली ने, और भैया किल कंफर्म जरूर करना चाहेंगे, लेकिन चुस्की मैन ने इसी बीच बाली को नॉक निकाला। धीर ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है बोल्ट को, इसी के साथ साथ अकेले प्लेयर बचे हैं मिस्टर सरकार टीम MGF के लिए। अभी चेक करता हूँ प्रीतम भाई इसके बाद, मैच के बाद। फिलहाल यहाँ पे इन्वेडर स्क्वाड भैया BRDM लेके नेक्स्ट लेवल मूव कर रहे थे, लेकिन सीता ने यहाँ पे कर दिया उनको फिनिश कार एक्सप्लोजन में। सरकार ने यहाँ पे स्पॉट किया है टीम रामायण ओपी को, और नॉक है वहाँ पे, फिनिश किया गया राम को। सीता ने यहाँ पे स्पॉट किया सरकार को और कर दिया है इस गेम से बाहर। और स्लैम सीधा जटायु की तरफ से देखने को मिला, सीधा जाके उन्होंने वॉच टावर होल्ड कर लिया, एक तरफ धीर एक तरफ सीता और टीम सन की। चटायु को यहाँ पे नॉक मिला, और भैया मौली मौली खाई है और यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे सीता की ओपी मौली के साथ साथ। यहाँ पे बूम बाम हो चुका है टीम रीकर्स का भी, एंड अब यहाँ पे 1v2 का सिचुएशन, टीम सन की वर्सेस टीम रामायण ओपी। सन की टीम के पास यहाँ पे आ चुके हैं 5 किल और 7 किल के साथ यहाँ पे खेल रही है टीम रामायण, जहाँ पे सीता जी ने धारण कर लिया है रौद्र रूप, और भैया क्या ही पेलम पाल चल रहा है, 7 के 7 किल्स निकाल दिए है अकेले। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, 16 की वॉचिंग और 8 लाइक्स। अरे भाई ऐसा चलता रहता है भाई, लौंडे थोड़े से ढीले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीतम के बारे में कुछ नहीं रे भाई है मेरा, गलत टाइप हो गया मोहित भाई। ओके भाई कोई दिक्कत नहीं भाई। और डिफॉल्टर को यहाँ पे नॉक निकाल दिया सीता ने, चार्ज इन करते हुए जनरेटर हाथ में, एक तरफ उसकी मैन एक तरफ यहाँ पे मिस कीता, कैन मिस कीता क्लच AKM वर्सेस M249। प्री फायर यहाँ पे इतना लंबा दे सकते हैं कि बूमबाम हो जाएगा, और शुरू हो चुका है प्री फायर। 100 गोलियाँ यहाँ पे भरी जाएगी, जनरेटर की पावर दिखाने का टाइम, लेकिन भैया चुस्की मैन OP के साथ यहाँ पे AKM ने बीट कर दिया है M249 को, 100 गोली के बदले मारी 40 गोली, और सन की टीम ने निकाल दिया है चिकन डिनर। चुस्की मैन OP बोलते गाइस, बचाया अपनी टीम को वहाँ पे हारने से। साथ ही साथ द प्रोएस्ट ऑफ प्रो सीता नूबड़ी को यहाँ पे मार के चिकन डिनर निकाल दिया है टीम इन सन की ई-स्पोर्ट्स ने। 7 किल्स के साथ सेकंड पोजीशन पे आई है टीम रामायण, 7 किल्स के साथ थर्ड पोजीशन पे टीम रीकर्स, 4 किल्स के साथ टीम MGF फोर्थ पोजीशन पे आई है, 6 किल्स के साथ इन्वेडर स्क्वाड 6 किल्स के साथ आई है फिफ्थ पोजीशन पे, हीट ऑफिशियल्स 2 किल्स के साथ यहाँ पे 6th पोजीशन पे, एंड टीम TFG विद 2 किल्स एट पोजीशन नंबर 7। ओके भाई अभी चेक करते हैं इन इंस्टाग्राम, स्काई ओपी, स्काई इज 2 OP ब्रो, हमारे लिए कौन सी गैर है भाई, है हमारा ही प्रीतम। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, 15 की वॉचिंग और 10 लाइक्स। ये डिसलाइक वाले कौन है भाई, ये डिसलाइक वाले अपने में से ही है, कोई कोई दिक्कत नहीं।
सीता हैव ऑरेंजेस नॉट नीड्स। भाई क्या क्या बुलवा रहे हो भाई, चुस्की मैन ने चुसा। ओ भाई वारो। प्रीतम भाई कौन से टेलीग्राम पे भेजा होगा, नहीं चेक करना पड़ेगा भाई। एक फोन पे मैं एक्चुअली टेलीग्राम भी डिलीट मार चुका हूँ। ओके आ गया भाई, मिल गया। भाई तो मेरे को क्यों नहीं दिख रहे भाई ये मैसेज, आपको आप लिख रहे हो, मेरे को दिख ही नहीं रहे, इसमें नहीं दिख रहे चैट के। स्काई अपनी को आएगा तीन बारे दिन चल रहा है, ये तो भाई भाई मारो। भाई कुछ टिप्स फॉर T2, देवांश महेश्वरी भाई टिप्स फॉर T2 के लिए आप T2 ग्रुप पे भाई मैसेज करो, T2 की टीम्स ग्रुप आपको टिप्स देगी, टिप्स एंड ट्रिक्स। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, इसीलिए भाई एज अ कम्युनिटी ग्रुप उसको ओपन रखा हुआ है। तो भाई लोग आईडी पास तो आ गया है, आउटलॉ से बहसबाजी नहीं भाई। अरे कुट T2 में हूँ मैं, तुमसे चाहिए, अरे हमसे चाहिए, अरे भैया हमसे टिप्स। ओके भाई हम अभी आपको आईडी पास शेयर करके देते हैं, प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, उससे आप सीधा सीधा हमको लगता है कि प्रमोशन हो जाएगी आपकी T1 में। थोड़ा सा वेट करना भाई, हम जरा आईडी पास सेंड कर देते हैं सभी लॉन्डो को। ओके भाई,
आई थिंक सब तक पहुंच गया है, जिनको अभी भी नहीं मिला है भाई वो मेरे को डीएम कर दो। आउटलॉस के लिए कैंपेनिंग करनी है डेली स्ट्रीम पे, और किसी को बताना मत कि तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अरे भाई भाई, ये कौन सी स्कीम दे रहे हो निशांत भाई? नाइन्टी वन लेफ्ट, अरे दो और आ गए क्या? नाइस भाई नाइस भाई, लोग सिर्फ 91 यार, इतने लोग हैं हमारे पास। वॉच टाइम पूरा हो गया, कल हो जाएगा प्रीतम भाई, वॉच टाइम पूरा हो जाएगा कल। ओनली 100 आवर्स टू गो, 3.9K पे पहुंच गए हम, तो ओनली 100 मोर टू गो, तो वो तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो भैया परसों कंफर्म। बट मेन टास्क इज 91। अरे भैया आईडी पास के लिए मैसेज करो, नो डीएम मतलब नो कॉल्स। नंबर लीक, अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, ऐसे नंबर नंबर किसी का लीक हो जाएगा तो फिर वो भाई मेरे को बोलेंगे कि आप, मैं करता नहीं ना भाई, मैं क्या करूँ। इतनी बार बोला भाई स्ट्रीम के बीच में नो कॉल्स, डीएनडी डालनी पड़ेगी। तो भाई लोग जितने भी है अपने मित्र जन, जल्दी से जल्दी भाई 91 रह गए हैं सब्सक्राइबर्स, तो फटाक से पूरे कर दो भाई। अरे इतने सारे लोग, इतने सारे लोग भाई, सिर्फ 91 सब्सक्राइबर्स यार, कमाल की बात है। पूरे नहीं होंगे तो कैसे चलेगा?
अरे भाई भाई भारत माता की जय। बिल्कुल भाई, भारत माता की जय, जय श्री राम। पर स्पैम मत करो मिस्टर उत्कर्ष, स्पैम करोगे ब्लॉक हो जाओगे भाई। कोई टेंशन नहीं है, जो भी आपका है एक बार लिखो भाई, समझ जाते हैं सभी लोग एक बार ही में, अच्छे खासे लोग हैं। स्पैम करोगे भाई तो ब्लॉक हो जाओगे। नो स्पैमिंग ब्रो। देख लो भाई, मॉड्स भी जाग चुके हैं, मॉड्स ने भी बोल दिया है भाई स्पैम मत करो ब्रो, सिर्फ एक बार लिखो भाई, उसमें हो जाता है एक बारी में, अच्छे से हमको समझ भी आ जाएगा और आप जो बोलना चाह रहे हैं वो भी सुन जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। मल्टीपल स्पैमिंग भाई वैसे दिक्कत हो जाएगी। रोड टू 1K सब्स, बिल्कुल भाई रोड टू 1K, और वो रोड पूरा करना है हमको, आपको सबको मिलके, आप लोगों के बिना तो पॉसिबल नहीं है भाई लोग, तो भैया बूम बाम करवा दो। सॉरी ब्रो, अरे नहीं नहीं भाई सॉरी का कोई सीन नहीं, बस मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है मल्टीपल स्पैम में भाई, ऑटो ब्लॉक होता है भैया, जो यूट्यूब के नाइट बॉट होते हैं वो ऑटो ब्लॉक कर देते हैं भाई मल्टीपल स्पैमिंग में। तो भाई लोग रोड टू 1K में हम कह रहे थे कि आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए हमको, जल्दी से जल्दी भाई बूम बाम करवा दो। जो भी लौंडा मिलता है फ्री, जिसके फोन में यूट्यूब है भैया दबवा दो उससे बटन। मैंने 3 अकाउंट से सब किया था, दैट्स ऑल आई कैन डू, आई एम कूल। अरे भाई बहुत है भाई, आप अगर एक एक से भी और करते हो तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, अगर आप एक अपने अकाउंट से भी करते हो भाई वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ी चीज़। अरे बूम बाम कर दिया गया, अकूजी यहाँ पे फिर से एक बार फिनिश हो चुकी है, पता नहीं सारे लौंडे यहाँ पे अकूजी के पीछे क्यों पड़े हैं। बूम बाम मचा दिया यहाँ पे टीम MGF ने, किया फिनिश LXIX अकूजी को। मुझे स्पैम चैट यहाँ नहीं, कभी करनी है तो आना, मैं दिखाता हूँ आपको भाई, सारी रात मैं मल्टीपल स्पैम कर सकता हूँ भाई। क्या ही लौंडे है भाई, असली लौंडे है भैया। भाई एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए ज़रा आपका कस्टम नहीं खेल पा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, एग्ज़ाम कौन सा ज़िंदगी भर चलेंगे भाई, कस्टम तो हमारे अभी काफ़ी लंबे चलने वाले, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम ख़त्म करो और उसके बाद आ जाओ बूम बाम मचाने के लिए, कोई भी कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं। अरे देखो, अरे कबीर सिंह जाग गया भैया, कबीर सिंह जाग चुका है, किसने हाथ लगाया, यही हम कह रहे थे सर निशांत जी। ये जो आपके अंदर का कबीर सिंह है, यही तो भैया छलांगे लगा रहा है, यही तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। भाई मैं कल LXIX से खेलूंगा, खेलो खेलो भाई, कोई आपको नहीं रोकने वाला है, पुल टू बूम बम। आप तो आज भी खेल सकते थे, खेले नहीं तो अब हम क्या करें। अरे रेंजर को नॉक एंड फिनिश डाल दिया टॉक्सिक हेमंत ने, टॉक्सिक हेमंत बीइंग टू टॉक्सिक। और यहाँ पे अच्छा नॉक मिला है घोस्ट ने, यहाँ पे नॉक निकाला है कैंडी, अभी नॉक पड़े हुए फिलहाल, और टॉक्सिक हेमंत भी हीलिंग अप्लाई करते हुए, अब देखना ये होगा यहाँ पे क्या पुश करेंगे या नहीं। फिलहाल घोस्ट यहाँ पे गए हैं कैंडी मैन को रिवाइव देने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर कैब भी वहीं पर अभी अवेलेबल है, हेमंत यहाँ पे एक कमरे में बसे हुए हैं, ये लगाई छलांग और ये कर दिया पुश भैया।
और यहाँ पे स्लैम होगा मिस्टर हेमंत के ऊपर। हेमंत जी यहाँ पे हो जाएंगे नॉट ऑन फिनिश। मिस्टर कैब यहाँ पे कर ली बालों के साथ अकेले बचे हुए हैं। सामने है हीट ऑफिशियल्स के 3 लौंडे और स्लैम देखने को मिला काफी लो किया यहाँ पे और बूम बाम हो जाएगा उनके साथ क्योंकि घोस्ट यहाँ पे सीधा स्लैम करके कर देंगे फिनिश। और टीम डिवाइन एक्सपी के साथ साथ हो चुकी है गाइस इस मैच से एलिमिनेट। एयर ड्रॉप नंबर 1 आ चुका है इसी बीच जिसमें आई है क्रोजा लेवल 3 गियर्स के साथ। चोर बाजार के ईयरफोन लगा रखे हैं क्या उसने? किसने भाई, किसने लगाए हैं चोर बाजार के ईयरफोन? कौन है ये जो चोर बाजार के ईयरफोन यूज करता? भाई बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। देखो ये चोरी तो पूरी करता है और गेम में 0 हेमंत ने हेमंत ये तो बात है भाई। अरे कोई नहीं भाई, भाई छोटा है बहुत, अभी चलता है सब फुल बूम बाम। डेविल टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और उन्होंने शॉट कर लिया है यहाँ पे घोस्ट को। भैया ये जंप शूट ये कूद कूद के जो भैया डेविल जीजी ने कोशिश की थी भाई ये बिल्कुल ही वेस्ट गई यहाँ पे। और अब यहाँ पे मिस्टर डेविल यूवी बचे हैं अकेले और उनके ऊपर यहाँ पे टीम हीट के 3 लौंडे एक साथ पुश कर रहे हैं और इनका भी बूम बम कर देंगे गाइस। हो चुकी है एक और स्क्वाड फिनिश और हीट ऑफिशियल्स यहाँ पे काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। 6 किल्स अभी तक कर चुके हैं, 2 स्क्वाड्स को यहाँ पे कर चुके हैं वाइप। अब जाएगा चैट में कोई नहीं भाई, चलता है भैया स्काई, भैया सब चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय श्री राम। ये अचानक से प्रीतम भाई को क्या हुआ, आप क्यों इतना श्री राम करने लगे भैया एकदम से? What happened to you, Mr. Pritam? मैं किसी दिन इसको टाइम आउट दे दूंगा, इतना तो भरोसा है मुझे। मंदिर नोवो में बनेगा बिल्कुल भाई, देखो वो तो बनने ही वाला है, टेंशन नहीं लेने का। ये जो क्रेन्स वहाँ पे लगाई गई हैं इसी काम के लिए लगाई हैं, जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है काम, भूमि पूजन हो चुका है। लेने तो इनको भगवान का नाम, इनकी हेल्प तो अब वो ही कर सकते हैं ओ भाई TFG अनिकेत, मिस्टर अनिकेत TFG को देखते हैं भैया अभी। ये रही ब्रदर आपकी टीम TFG और शौचालय ही रंगल में शौचालय तो देखो हर जगह बनाने पड़ेंगे प्रीतम भाई, ऐसा एक आधा शौचालय बनाने से कुछ नहीं होगा, शौचालय प्रॉपर चाहिए भाई सारी जगह, क्योंकि कहीं भी मन हो सकता है, जहाँ उठलॉज वहीं शौचालय। बिल्कुल मैं यही बोलने वाला था पर आपने पहले बोल दिया भाई, सेम फीलिंग थी। बिल्कुल सेम फीलिंग के साथ हम ये कहना चाहते थे, बस वर्ड्स डिफरेंट थे, फीलिंग एकदम सेम। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं मिस्टर हैक्टिक आयुष अकेले लौंडे खोपचे में बैठे हुए हैं भैया और बूम बाम कर दिया है उनका यहाँ पे ती चाला ओपी ने उजी के साथ साथ। हम पबजी में हग रहे हैं अल्फा भाई स्ट्रीम पे और स्काई व्हाट्सएप पे
भाई क्या कहना क्या चाहते हो भाई, क्या कहना चाहते हो? मैंने कब भगा भाई स्ट्रीम पे? अपना क्या है भाई, हमारे तो मतलब हो जाता है भाई, अब क्या कर सकते हैं। स्काई स्काई भैया के तो मतलब भाई अलग है, वो तो व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे, भाई कहाँ जहाँ बोलो आप वहाँ फ्रेश हो जाते हैं। स्काई भैया को कोई नहीं रोक सकता। स्काई भैया को फ्रेश होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्काई भैया इज टू फास्ट। भाई कहाँ मुझे बीच में ले आ रहे हो भाई। जगह नहीं हरकत भाई। चलो भाई कोई नहीं चला रहे, क्यों भाई इतना जल्दी क्यों? और मिस्टर वैनम बचेगा खेले, एमजीएफ टीम कर रही है उनके ऊपर पुश, ग्रेनेड फाड़ रहे हैं यहाँ पे, अपने ऊपर ही फाड़ना चाहेंगे ग्रेनेड। और कोई भी नहीं फूटेगा इस ग्रेनेड से, आई थिंक पता लग चुका था उनको कि ग्रेनेड पिन करके छोड़ा है। गुड नाइट एवरीवन। अरे स्काई भैया इतनी जल्दी क्यों, व्हाई सो अर्ली? इतना जल्दी कहाँ चले भैया? पाकिस्तान से था, अल्लाह अकबर कह के पटना चाहता था भाई। सही बात है यार, ये तो हमको ध्यान ही नहीं आया। थोड़ा जल्दी पेन करता ना भाई अगर ग्रेनेड यार, तो मतलब दो बंदों को तो निकाल सकता था, और दो ग्रेनेड फेंकता तो फिनिश भी था। उल्टू बूम्बा और इन्वेडर स्क्वाड का भी यहाँ पे हो चुका है भैया, सफर खत्म, टाटा बाय बाय हो चुकी है इन्वेडर स्क्वाड की भी। पांच टीम्स, 19 प्लेयर्स बचे हुए हैं, एक और जोन जो है वो कुछ ही देर में क्लोज इन हो जाएगा।